नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे और सीरीज के आखिरी वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने पिछले 26 मैचों से चले आ रहे ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के विजयी रथ को रोक दिया है। भारत की इस जीत में युवा बल्लेबाज आस्तिका भाटिया के करियर के पहले अर्धशतक और सलामी बल्लेबाज शैफाली वर्मा के साथ उनकी शतकीय साझेदारी का अहम योगदान रहा। ऑस्ट्रेलिया के 265 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय महिला टीम ने 3 गेंद शेष रहते हुए 8 विकेट पर 266 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। भारत के लिए याष्टिका ने 69 गेंद में 64 और शैफाली ने 91 गेंद में 56 रन की पारी खेली। इसके साथ ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड एक बार फिर से तोड़ दिया है। पिछले 20 साल में चौथी बार है जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया के विजयी रथ को रोका है। सबसे पहले 2001 में भारतीय टीम ने सौरभ गांगुली की कप्तानी में कंगारुओं के विजयी अभियान पर ब्रेक लगाया था। भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियाई टीम लगातार 16 टेस्ट मैच जीत चुकी थी। इस दौरे का पहला टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, लेकिन इसके बाद दूसरा टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया, जहां कंगारुओं को ऐतिहासिक हार मिली। बीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की करिश्माई पारी के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया की जीत का सिलसिला तोड़ा था। फॉलो ऑन के बाद लक्ष्मण ने 281 जबकि द्रविड़ ने 180 रन बनाए थे। इसके बाद साल 2008 में भारत ने पर्थ टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के एशियाई टीमों के खिलाफ चले आ रहे जीत के क्रम को रोका। ऑस्ट्रेलियाई टीम तब एशियाई टीमों के खिलाफ लगातार 16 टेस्ट मैच जीत चुकी थी। अनिल कुंबले की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने पर्थ के वाका के मैदान पर खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया को 72 रनों से हराया था। भारत ने पर्थ में सिर्फ एक टेस्ट मैच ही जीता है और वो इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को मात देने वाली पहली एशियाई टीम है। इसी साल की शुरुआत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज को कौन भूल सकता है। ये सीरीज जीतकर भारत ने इतिहास रचा था। जनवरी में सीरीज का आखिरी मैच ब्रिस्बेन के गावा मैदान पर खेला गया था। इस टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। ऑस्ट्रेलिया बीते 32 साल से गावा मैदान पर अजेय था। उसे आखिरी बार 1988 में वेस्टइंडीज ने हराया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।